गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करे हैं। नहीं देखा है उन वीडियोज़ को तो वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लॉ के हैं, और आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 7 है। इससे पहले जो है पार्ट 6 तक का जो भी वीडियोज़ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। नहीं देखा है तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये पूरे जो नोट जो कि मैंने बनाया है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक का, अभी तक का सारा जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकाल करके बनाया है। अपनी पढ़ाई, अपना सारा कब कुछ छोड़ करके स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है, एंड ये वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को थोड़ा लाइक से रिवॉर्ड करिएगा, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द रेमेडीज़ प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर पोसेशन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन डिस्पोज ऑफ इट डिस्कस। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक Relief Act 1963 provides a remedy to a person who is disposed without his consent from immovable property otherwise than in due course of law. He can also bring a suit for seeking recovery of possession notwithstanding any other title that may be set up in such a suit. Therefore, any person cannot be permitted to take a forcible possession, they must obtain such possession which they are entitled by court. ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन है, जहाँ 4-4 पेजेस का क्वेश्चन होता है इतना ही आपको इसमें लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ डिक्लेरी डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, द डिक्लेरी डिग्री इज द एडिक्ट विच डिक्लेयर्स द राइट ऑफ प्लेन स्टॉफ। इट इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन अंडर विच द कोर्ट द डिक्लेयर सम एग्जिस्टिंग राइट इन फेवर ऑफ प्लेन स्टॉफ एंड डिक्लेरेटरी डिग्री एक्सटिंक्ट ओनली व्हेन प्लेन स्टॉफ इज डिनाइड ऑफ विच राइट विच प्लेन स्टॉफ इज इंटाइटल टू। अगला क्वेश्चन है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लेन। तो इसमें हम लिखेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन इक्विटेबल रिलीफ ग्रांटेड बाई द कोर्ट टू इन्फोर्स कोर्टल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इट इज रेमेडी इन परफॉर्मेंस ऑफ अपोज टू क्लेम साउंडिंग द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर